हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपराजिता के इस सुंदर से प्लांट थे। और अपराजिता का प्लांट आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही शुभ प्लांट होता है, इसे घर में लगाने के लिए अच्छा रहता है। और देखिए इस प्लांट में कितनी सारी बर्ड्स भी बनी हुई हैं, ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं। और पहले मैं इसकी केयर नहीं कर पा रही थी तो ये प्लांट काफ़ी ख़राब सा हो गया था, लेकिन कई सारे प्लांट्स के बीच में ये फंसा पड़ा था तो मैं इस तक पहुंच नहीं पाती थी। तो उसमें जो फलियां लगती हैं, फलियों में बीज होता है, तो वो फली मेरे हाथ लग गई थी एक दो, और मैंने उसको इसी गमले में डाल दिया था। और ये देखिए, ये वाला जो प्लांट है ये दूसरा प्लांट है, और जो मे मदर प्लांट है वो ये है, और एक और प्लांट इसमें निकला हुआ है पीछे की तरफ। तो इसमें अभी तीन प्लांट हैं, और देखिए फ्लावर्स कितने खूबसूरत आते हैं इसके। और इसमें शायद एक वाइट कलर का भी आया था, जब मैं इसको नहीं देख पा रही थी तो इसमें वाइट कलर का भी लगा हुआ था, तो इसका मतलब इसमें कहीं पर ग्राफ्टिंग भी हुई हुई थी। दो कलर के इसमें फ्लावर्स आ रहे थे, और सिंगल पेटल वाला प्लांट है। तो ये तो रही मेरी अपराजिता की बेल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो बिल्कुल सस्ते में हमें प्लांट मिलता है, वो है खूब सारे फूल देने वाला। ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट, ये पर्पल वाला है, लॉन्ग वाली वैरायटी। और देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, ये देखिए। और इसी में ड्वार्फ वाली भी आती है, उसमें वाइट और पिंक कलर आता है। पर्पल वाला मैंने अभी तक तो लंबे में ही देखा, तो ये देखिए वाइट कितने ढेर सारे फ्लावर्स आए हुए, ये देखिए। और मैंने इनको ख़रीदा नहीं है, ये देखिए इस तरह से जब इसके फ्लावर्स निकल जाते हैं। आजकल बारिशें हैं, बारिशों में बड़ी जल्दी से ये ख़राब हो जाते हैं, पतला सा एकदम फ्लावर होता है इसका, और बारिश पड़ते ही एकदम इस तरह से हालत हो जाती है इसकी। तो इन्हें हटाते रहना चाहिए। इसमें सीड्स बनते हैं, और सीड्स के लिए इसमें फलियाँ लगती हैं। अभी इस वक्त तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये मेरा वाइट वाला है, और वो पर्पल वाला, ये लॉन्ग वैरायटी वाला। तो जब सीड बनेंगे तो फिर मैं आप किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और मेरे पास ये तीनों कलर्स हैं, और सीड से इजीली ग्रो हो जाते हैं। आजकल बारिशें हैं, बारिशों में तो इसको आप इतनी सी कहीं कटिंग भी लगा देंगे, एक दो नोड एरिया को दबा दीजिए मिट्टी में, तो ये भी ये फर्स्ट क्लास तरीके से ग्रो कर जाता है। और सीड से तो ये ग्रो हो ही जाता है। अभी मैं आपको पिंक वाला भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पिंक वाला मैक्सिकन पिटूनिया है, और इसकी भी हाइट ज़्यादा नहीं होती, और बहुत सारा लगा हुआ है, और कुछ ही अपने आप ही निकलता जा रहा है। इसी में इसके सीड्स झड़ जाते हैं और इसी तरह से निकलते रहते हैं। और ये देखिए, ये थर्मोकोल का डब्बा है, काफ़ी पुराना, और इसकी हालत भी अभी खस्ता हो रही है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और मैं आपको इसका सीड पॉट भी दिखा देती हूँ, इस तरह का इसमें सीड पॉट बनता है। ये देखिए, अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा काला हुआ है। जब ये बिल्कुल काला हो जाएगा तो ये अपने आप ही फट जाता है। तो अपने आप फटने से पहले इसको आप अगर उतार के और इसको तोड़ के मिट्टी में डाल दें तो ये बड़े इजीली ग्रो कर जाता है। और ये ऐसा प्लांट है, बिल्कुल सस्ता मिलता है, और मेरे पास तो ये फ्री का आया है, वो इस तरह से कि मैंने जो और प्लांट्स खरीदे थे तो उनकी मिट्टी में इसके सीड्स गिरे हुए थे, और ये तीनों के तीनों ही कलर मुझे फ्री में मिले हैं। कोई किसी मिट्टी में निकल आया किसी प्लांट के साथ, और कोई किसी के साथ। और इससे मैंने जो आसपास में मेरे नेबर्स हैं उनको भी ढेर सारे प्लांट्स बना बना के तैयार करके दे दिए हैं। तो इसी तरह से आप भी, अगर आपके नेबर्स के पास या रिश्तेदारों के पास अगर ये प्लांट है तो कटिंग ले आइए, और अभी बरसात में तो बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से लग जाएगा। और अगर सीड पॉट बने हुए हैं तो आप सीड पॉट तोड़ के डाल दीजिए, फटाफट ग्रो कर जाता है, और बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है। आजकल बारिशों में तो इंच के हिसाब से पौधे बढ़ रहे हैं वैसे भी, तो ग्रो कीजिए इजीली, और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स, और खूब ढेर सारे आते हैं फ्लावर्स भी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।